हेलो एवरीवन, मैं जितेश कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि उस कंसेप्ट को समझने से हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज इस सेशन में मैं कवर करूंगा फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर, एंड दिस विल बी आवर एजेंडा फॉर टूडेज सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ये ओवरव्यू देखेंगे कि कितनी तरह के साइफर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड देन डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। देन विद इन दैट स्ट्रक्चर वी विल हैव अ लुक ऑन द राउंड फंक्शन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द राउंड फंक्शन, एंड देन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विच इज फॉलोड इन अ फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट we'll have a look on some examples of the Fistel ciphers, we'll see some examples which follow the Fistel structures, and finally we'll sum up the session and have conclusion. To sabse pehle dekhte hain introduction. Most modern block ciphers belong to two families of symmetric crypto system. To apne previous session mein maine symmetric crypto system ya symmetric cryptography ke upar ek session complete kiya tha. तो अभी आज हम बात कर रहे हैं कि जो मोस्टली जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स होते हैं वो किन फैमिली से रिलेट करते हैं। तो मेनली यहां पे दो तरह की फैमिलीज का जिक्र किया गया है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क, इन शॉर्ट इट इज नोन एज एसपीएन, एंड द सेकंड फैमिली इज फिस्टल नेटवर्क एब्रिविएटेड एज एफएन। तो मॉडर्न जो ब्लॉक साइफर्स होते हैं जो दो तरह की फैमिली से रिलेट होते हैं, नंबर वन इज एसपीएन एंड द सेकंड वन इज एफएन। फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर और डिजाइन मॉडल फ्रॉम विच मेनी डिफरेंट ब्लॉक साइफर्स हैव बीन ड्राइव्ड। तो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर एक इस तरह का स्ट्रक्चर या डिजाइन है, एक मॉडल हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के ब्लॉक साइफर्स को डिराइव किया गया। जैसे अगर हम फेमस वेल नोन एग्जाम्पल की बात करें, आपने डीईएस का नाम सुना होगा। डीईएस स्टैंड फॉर डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डीईएस एक ऐसा सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है जो फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे पड़ा, तो आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ही इज एन जर्मन अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर जिनका नाम है हॉस्ट फिस्टल। तो इन्होंने इसको नाम दिया, इनके नाम के पीछे इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। ही वर्क्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द क्रिप्टो सिस्टम्स इन द आईबीएम। ये आईबीएम के रिसर्चर्स थे जो बेसिकली जर्मन अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर। फिस्टल स्ट्रक्चर फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन लुसिफर साइफर बाय हॉस्ट फिस्टल एंड डॉन कॉपरस्मिथ इन 1973। तो हॉस्ट फिस्टल के साथ में जो दूसरे जो मैथमेटिशियंस थे, अमेरिकन मैथमेटिशियंस थे, जिनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, डॉन कॉपर स्मिथ, इन दोनों ने सबसे पहले इसको लुसिफर साइफर में इंप्लीमेंट किया। जो फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन थी फिस्टल स्ट्रक्चर की, इट वाज इन द लुसिफर साइफर। तो लुसिफर साइफर क्या था, जब डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया तो उसकी जो प्री स्टेज थी, उसके पहले वाले जो प्रायर स्टेज थी, उसमें थोड़ी बहुत लुसिफर साइफर में थोड़ी सी चेंज की गई थी, जो हम आगे डीईएस के लेक्चर में कवर करेंगे। अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बेस्ड ऑन फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर यूजेस सेम एल्गोरिदम फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज फॉर द डिक्रिप्शन। तो इसका एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम होते हैं जो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उनमें सेम एल्गोरिदम इस्तेमाल की जाती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम एनक्रिप्शन प्रोसेस के लिए करेंगे, दैट सेम एल्गोरिदम इज ऑल्सो यूज फॉर द डिक्रिप्शन पर्पज। फिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट विद ईच राउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन स्टेप फॉलोड बाय द परम्यूटेशन स्टेप। तो फिस्टल स्ट्रक्चर में आपके जब प्लेन टेक्स्ट को फीड किया जाता है, तो उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल राउंड, जो राउंड फंक्शन आगे डिस्कस करेंगे, राउंड फंक्शन नंबर ऑफ राउंड उसके ऊपर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उस प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस कर दिया जाता है। और राउंड फंक्शन में बेसिकली होता क्या है, देयर हैपन सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन। तो सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपके राइट एक्सट्रीम राइट में एक
टेबलेटेड फॉर्म में कुछ एक इन्फो आपको दिखाई दे रही होगी। सब्स्टिट्यूट का सिंपल मीनिंग होता है मैंने ए लेटर को किसी दूसरे लेटर से या फिगर से रिप्लेस कर देना, मींस किसी लेटर की बदली। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस किसी प्री डिफाइंड टेबल से, जो सब्स्टिट्यूशन एस बॉक्सेस की हम आगे बात करेंगे, इस तरह से उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन के बाद फर्दर जो स्टेप होगा इट विल बी परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन इज वन टू वन मैपिंग। परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे, हम पोजीशन चेंज कर देंगे बिट की, बिट टू बिट जो है आपके पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। सपोज फर्स्ट बिट इज चेंज टू द 40th पोजीशन एंड द सेकंड बिट इज चेंज टू द 60th पोजीशन। लाइकवाइज इस तरह से जब बिट बाय बिट पोजीशंस चेंज करते हैं वन टू वन मैपिंग होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो एक राउंड फंक्शन के अंदर जो बिट्स की पहले सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस फॉलोड होती है, आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय द परम्यूटेशन स्टेप। A separate key is used for each round. तो यहां पे जितने नंबर ऑफ राउंड एग्जीक्यूट किए जाएंगे प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, उसमें हर एक राउंड में अलग तरह की key का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आपको डायग्राम में अलग अलग कलर की key, यहां पे आपको कंसेप्ट को इजी करने के लिए एक डायग्राम दी गई है जिसमें डिफरेंट कलर्स की आपको दिखाई दे रही होगी। इट इंडिकेट्स कि हर एक राउंड में अलग अलग तरह की सेपरेट की का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे हम राउंड की या सब की के नाम से बोलेंगे। However, same round keys are used for encryption as well as the decryption. लेकिन जब हम encryption की process करेंगे या decryption की process करेंगे तो जो round keys होगी वो similar इस्तेमाल की जाएगी। Means first round के लिए जो key आपने encryption के लिए इस्तेमाल की थी, उसी तरह से decryption के लिए भी उसी key का इस्तेमाल किया जाए। अभी इसकी block diagram देखते हैं कि किस तरह से physical structure basically काम करता है। तो आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक प्लेन टेक्स्ट। उस प्लेन टेक्स्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है दैट प्लेन टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसको हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज अगर ये 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है तो इसको 32 बिट एंड 32 बिट लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंबल देख रहे होंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया, एक्सक्लूसिव और। जो बुलियन आपका फंक्शन है एक्सक्लूसिव और, वो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक प्लस का सिंबल लगा हुआ है एनसर्कल किया हुआ है जिसको, और राइट हैंड साइड में आपका जो हाफ आ रहा है तो उसके बीच में आपको एक एफ विद इन ब्रैकेट के एंड आर जीरो। दिस इज कॉल्ड राउंड फंक्शन। एफ स्टैंड फॉर द राउंड फंक्शन। इसमें विद इन ब्रैकेट के और आर लिखा हुआ है, इट मींस के इज अ राउंड की। जो हमने बात की थी कि हर एक राउंड में अलग अलग एक सेपरेट राउंड की या सब की का इस्तेमाल होगा, एंड आर जीरो इज फॉर द राइट हाफ। जो 32 बिट हमने डिवाइड किए थे राइट के, वो आपके इस राउंड फंक्शन में फीड कर दिए जाएंगे, और उस राउंड फंक्शन की आउटपुट को जो लेफ्ट हैंड के 32 बिट होंगे उसके साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जब इतनी प्रोसेस होने के बाद फर्दर इन आपका जो XOR होके जो आउटपुट मिली उसको स्वैप कर दिया जाएगा राइट साइड को, और वो आपका बन जाएगा R1। और जो आपका अनचेंज्ड जो लेफ्ट हाफ, जो आपका अनचेंज्ड जो राइट जो R0 था, वो आपका नेक्स्ट स्टेज में बन जाएगा L1। तो उसी तरह से सेम स्टेप्स हर राउंड में आपके फॉलो होंगे, और ये कितने नंबर ऑफ राउंड एग्जीक्यूट किए जाएंगे ये डिपेंड करता है उस एल्गोरिदम के ऊपर कि आप कौन से एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसके ऊपर 16 राउंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 10 राउंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ राउंड डिपेंड अपॉन द एल्गोरिदम बीइंग यूज्ड। तो इस तरह से ये फिस्टल स्ट्रक्चर की एक ब्लॉक डायग्राम होती है जिसको हमने डिस्कस किया। This illustration of physical structure is as under. आपके राइट साइड में फॉर इजी रेफरेंस मैंने एक डायग्राम रखी हुई है जिसमें आपके प्लेन टेक्स्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है। द इनपुट ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट टू ईच राउंड इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स डिनोटेड एज L0 एंड R0 फॉर द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ। तो यहां पे लेफ्ट हाफ जो 32 बिट हम कंसीडर करके चल रहे हैं इसको मैंने डिनोट कर दिया है L0 से, और राइट जो 32 बिट हमारा हाफ राइट हाफ है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं R0 से। इन ईच राउंड द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक R0 या R0 गोज अनचेंज्ड। तो आप राइट हाफ को देख रहे होंगे वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, दिस हाफ इज फेडेड अनचेंज्ड
एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्लॉक जो हम L0 की बात कर रहे हैं इट इज XORed, इसके ऊपर आपका XORed ऑपरेशन हो रहा है विद द आउटपुट ऑफ द राउंड फंक्शन, जो आपका बीच में राउंड फंक्शन लिखा हुआ है, आपके राउंड फंक्शन की जो आउटपुट होगी उसको लेफ्ट हैंड का जो L0 होगा उसके साथ XOR ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर उस आउटपुट को लेफ्ट और राइट के साथ जो है स्वैप कर दिया जाएगा। इन फिस्टल साइफर द राउंड डिपेंडेंट की और द सब की इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनक्रिप्शन की। तो यहां पे जो सब की हम बात कर रहे हैं या राउंड की जो बात कर रहे हैं, जो सेपरेट की हर एक राउंड में एग्जीक्यूट की जा रही है, उस की को मेन जो आपकी एनक्रिप्शन की होगी उससे डिराइव किया जाएगा। ईच राउंड फंक्शन यूजेस डिफरेंट की, तो हर एक राउंड में आपकी डिफरेंट एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की का इस्तेमाल होगा। द परमिटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ ईच राउंड स्वैप द मॉडिफाइड एल नॉट एंड अनमॉडिफाइड आर नॉट। तो जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद स्वैपिंग हो रही है, आपका जो मॉडिफाइड एल नॉट था उसको आपका आर वन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका अनमॉडिफाइड आर नॉट होगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप में एल वन बन जाएगा। Therefore, the L1 for the next round would be R0 of the current round and R1 for the next round will be the output of the R0 of the current round, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम सब्स्टिट्यूशन एंड परमिटेशन स्टेप्स फॉर्म अ सिंगल राउंड। तो इतनी जो स्वैपिंग तक की जो कंप्लीट प्रोसेस थी, राउंड फंक्शन के आउटपुट को XOR किया, उसके बाद हमने लेफ्ट और राइट हाफ को स्वैप किया, दिस कंप्लीट जो स्टेप्स थे, दिस कंप्लीट स्टेप्स फॉर्म अ सिंगल राउंड। तो इतना जो प्रोसेस हुआ इसको नाम दिया गया एक राउंड का। अभी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम कंसीडर कैसे करेंगे कि विच एल्गोरिदम्स वी आर यूजिंग। द नंबर ऑफ राउंड्स आर स्पेसिफाइड बाय द एल्गोरिदम डिजाइन। वंस द लास्ट राउंड इज कंप्लीटेड देन द टू सब ब्लॉक्स R and L are joined in this order to form the ciphertext block. तो जब आपके मान लिया जाए अगर उस एल्गोरिदम में 10 राउंड एग्जीक्यूट होने हैं, तो जब आपके लास्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लेफ्ट और राइट जो पोर्शन होंगे उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा और फाइनली जो आउटपुट आपको मिलेगी इट विल बी ciphertext block. ये तो कंप्लीट प्रोसेस हमने देखी एनक्रिप्शन की कि किस तरह से एक राउंड के ऊपर फंक्शन होता है, किस तरह से राउंड की या सब की का ऑपरेशन किया जाता है, नंबर ऑफ राउंड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिथम, और अभी उस साइफर टेक्स्ट को रिसीविंग एंड के ऊपर आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। द डिक्रिप्शन प्रोसेस इन फिस्टल साइफर इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि डिक्रिप्शन आपके एनक्रिप्शन की अपोजिट प्रोसेस है, तो थोड़ी सी चेंज होगी उसमें। व्हाट विल बी द चेंज, लेट अस सी। Instead of starting with a block of plain text, तो encryption में हम plain text से शुरुआत करते थे, cipher text में हमारे पास जो feeding के लिए क्या होगा, cipher text. This cipher text block is fed into the start of the fistal structure and then the process thereafter is exactly same as described in the given illustration. तो आपके सबसे पहले जो fistal structure में feed किया जाएगा वो होगा cipher text. After that जो process होगी वो encryption जैसी same जो है प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। जो इसमें मेन फर्क होगा, द ओनली डिफरेंस इज दैट सब की यूज इन एनक्रिप्शन आर यूज इन द रिवर्स ऑर्डर। तो जैसे हमने फर्स्ट एनक्रिप्शन के लिए फर्स्ट राउंड में के वन का इस्तेमाल किया था और लास्ट राउंड में हमने के एन, इफ इट इज द nth की देन इट कैन बी डिनोटेड एज के एन, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जब हम इसको करेंगे तो nth की आपके ऊपर चली जाएगी और उसके बाद n-1, n-2, likewise उसी तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में डिक्रिप्शन के लिए कीज का इस्तेमाल करेंगे। द फाइनल स्वैपिंग ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ इन लास्ट स्टेप ऑफ द फिस्टल साइफर इज इसेंशियल, क्योंकि हमने एनक्रिप्शन में क्या किया था, हम लेफ्ट और राइट हाफ को स्वैप करते रहे थे, तो जब हम डिक्रिप्शन की प्रोसेस करेंगे तो उसमें वो इसेंशियल है कि हम फाइनल स्टेप के बाद उनकी फाइनल स्वैपिंग करें, लेफ्ट और राइट हाफ को आपस में स्वैप करें और फिर आप जो है प्लेन टेक्स्ट जो है रिट्रीव कर सकते हैं। इफ दीज आर नॉट स्वैप्ड then resulting cipher text could not be decrypted using the same algorithm. अगर आपने last swapping नहीं की तो you will not be able to decrypt that message. The number of rounds used in a fistal cipher structure depend on desired security from the system.
अभी कितने नंबर ऑफ राउंड हमें उस फिशल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट कराने हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। मोर नंबर ऑफ राउंड्स प्रोवाइड मोर सिक्योर सिस्टम, जितनी बार हम उस पर एग्जीक्यूट करेंगे हमारे नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा होंगे तो इट विल ऑफर ग्रेटर सिक्योरिटी, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना है, इट मे टेक मोर टाइम एंड द प्रोसेस विल बी स्लोअर, द एनक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन ऑटोमेटिकली विल बी स्लोअर। जितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे सिक्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ आपकी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, स्लोअर होगी। Here is a list of a few ciphers which follow FISTL structures. तो आपके सामने कुछ एक ciphers की list है जो FISTL cipher structure को follow करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे Lucifer, it is also called LSFR, then DOFIS, GLOFIS, RC5, it is Ravist cipher 5, then RC6, Ravist cipher 6, DES, it is Data Encryption Standard, and 3DES is Triple डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जो आपके फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो अभी एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने अभी पूरे लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि कितनी तरह के साइफर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आफ्टर दैट इन डीप इन डेप्थ हमने डिस्कस किया फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, और उसके बाद एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसकी इंटरनल प्रोसेस को समझने की कोशिश की, और उसके अंदर फिर राउंड फंक्शन किस तरह से काम करता है। राउंड फंक्शन के बाद हमने देखा कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होती है और किन चीजों का ध्यान हमें डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन करते रखना चाहिए, और अपने सेशन को हमने कंक्लूड किया लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि ऐसे कौन से साइफर्स हैं जो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you for listening.